दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन पर रेंट पेमेंट वाला ऑप्शन आया है, जहां पर आप लैंडलॉर्ड का अकाउंट नंबर या फिर UPI ID डालकर आसानी से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI से पेमेंट कर पाएंगे, यानी मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो सभी को नहीं मिल रहा है। आप लोगों को कैसे मिलेगा वीडियो में बताएंगे, बस वीडियो को ध्यान से देखिए, नहीं तो हो सकता है कि ज्यादा चार्जेस देना पड़े या फिर कोई गड़बड़ हो जाए, तो बाद में आप घूमते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिए। देखिए यहां पर फोन पे की तरफ से ये जो नया सर्विस लाया गया है रेंट पेमेंट का, वो वीटा एप्लीकेशन में लाया गया है। लेकिन वीटा एप्लीकेशन के वर्जन बता देता हूं, यहां पर वीटा एप्लीकेशन का वर्जन है 4.1.16, जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो नया सर्विस है वो आपको मिलेगा 4.1.17 वाला में। तो अभी जो है 4.1.17 का अपडेट जो है सभी को नहीं दिया जा रहा है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पर हम मौजूद हैं और यहां पर कोई भी अपडेट नहीं आई है और यहां पर 4.1.16 ही है। तो इसमें आपको जो है रेंट पेमेंट वाला सर्विस नहीं मिलेगा, लेकिन 4.1.17 का अपडेट आपको मिला होगा, तो आपको रेंट पेमेंट वाला ऑप्शन जरूर मिला होगा। तो आप लोग सबसे पहले वीटा ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, या फिर डायरेक्टली आप जो है प्ले स्टोर से भी वीटा ज्वाइन कर सकते हैं। तो फोन पे का वीटा ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद देखिए कि आपको कौन सा वर्जन मिलता है। 4.1.17 मिलता है तो आपको रेंट पेमेंट वाला ऑप्शंस मिलेगा। चलिए यहां पर इस एप्लीकेशन को ओपन करके हम दिखा देते हैं। फोन पे एप्लीकेशन हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कहीं फिर रेंट पेमेंट वाला ऑप्शंस नहीं दिया गया है। अब यहां पर हम आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट का जुगाड़ करके रखे हैं, हालांकि पूरा प्रोसेस का वीडियो भी मेरे पास है, लेकिन मैंने उसमें से स्क्रीनशॉट निकाला और सोचा कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझा दूं, अच्छे ढंग से बता दूं, ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे चार्जेस को लेकर और पेमेंट को लेकर या फिर पैसा फंसने को लेकर। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा और आप इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों को एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहूँगा कि जब तक हम हैं इन सभी से रिलेटेड आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं आएगा, कहीं भी पैसा नहीं फंसेगा। अगर कोई दिक्कत भी होता है तो आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जितना हमसे मदद हो सकता है मैं आप लोगों को मदद करता ही रहता हूँ। इसलिए मैं गारंटी देता हूँ कि जब तक हम हैं आपको इस सभी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे। बस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो लीजिए। चलिए अब हम आपको पूरा डिटेल में समझा देते हैं कि आगे का क्या प्रोसेस है और कैसे आप लोग रेंट पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI से करते हैं। चलिए सबसे पहले फोन पे एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है, जो कि नया वाला वर्जन हमने बताया, उस वर्जन में आपका फोन पे एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करिए, उसके बाद आपको यहाँ पर रेंट पेमेंट की ऑप्शंस मिलेंगे, रिचार्ज और बिल पेमेंट वाला ऑप्शंस में, जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आपको ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ पर दो स्टेप आपको बताया जाएगा, जहाँ पर आपको बेसिक रेंट डिटेल एंटर करने की ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले रेंट अमाउंट आपको एंटर करना है और प्रॉपर्टी नेम आपको यहाँ पर एंटर करनी है। रेंट अमाउंट जो है मिनिमम 1000 रुपया आप डाल सकते हैं, इससे कम आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, पैसे को सेंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेंट अमाउंट डालिए, जितना आप जो है यहाँ पर ट्रांसफर करना चाहते हैं, 1000, 2000, 3000 ऐसे करके। प्रॉपर्टी का नाम आप यहाँ पर डालिए, ये सारा डिटेल एंटर कर देने के बाद सेव एज होम और ऑफिस की ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप इन दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद यहां पर कंटिन्यू की ऑप्शंस मिलेगा, आप यहां से कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएंगे। स्टेप टू में आप आ जाओगे, लैंडलॉर्ड का नाम यहां पर बता दिया जाएगा जो आपको एंटर करना रहेगा। बैंक रिकॉर्ड में जो नाम है वही आप यहां पर दर्ज करिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑप्शनल में है, आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट में पैसा भेजना है, लैंडलॉर्ड का जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आपको दर्ज करना है, या फिर आप जो है यहाँ पर एड वीम UPI ID पर क्लिक करके वीम UPI ID भी दे सकते हो। तो इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करके डिटेल एंटर करिए। उसके बाद आप यहां पर डिटेल एंटर करके नेक्स्ट करोगे तो यहां पर पेमेंट की ऑप्शंस मिलेगा। सबसे पहले बोला गया है कि क्या आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद बोला गया है कि क्या आप UPI ID से, यानी कि UPI इस्तेमाल करके आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहां दोनों में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहां पर टिक करिए, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करिए। अब यहां पर आप देख लीजिए कि चार्जेस आपको किस प्रकार से देने
कितने होंगे। यहाँ पर 1,002 रुपया डाला गया है। अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया जाता है तो 13 रुपया 2 पैसे यहाँ पर चार्ज लगेंगे। उसके बाद अगर हम डेबिट कार्ड के बारे में बात करें तो डेबिट कार्ड में 75 रुपया अतिरिक्त चार्ज लगेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा चार्ज तो यहाँ पर डेबिट कार्ड पर लग रही है, लेकिन नहीं दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से कम चार्ज डेबिट कार्ड पर लग रही है। वो कैसे आपको आगे पता चल जाएगा, चलिए यहाँ पर कुछ डिटेल आपको पेश करते हैं, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने पेश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 1,000 रुपया डाला हुआ है और 1,000 रुपया में अगर हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 13 रुपया की यहाँ पर चार्ज लगती है। उसके बाद यहाँ पर 2,000 रुपया डाला हुआ है, 2,000 रुपया अगर हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 26 रुपया की यहाँ पर चार्ज किया जाता है, जो कि 1.3% के अनुसार से हो गए। उसके बाद यहाँ पर 10,000 रुपया जो डाला हुआ है वो आप देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो 130 रुपया अतिरिक्त चार्ज किया जाएगा। इसी में कन्वीनियंस फी प्लस GST मिलाकर 130 रुपया यहाँ पर चार्ज किया जाएगा, यानी कि 1.3% के अनुसार से। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों डेबिट कार्ड के बारे में, तो 1,000 रुपया आप रेंट पेमेंट करोगे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके तो 75 रुपया की चार्ज, जो कि आप देख सकते हैं। वही 9,000 रुपया यहां पर आप डालोगे तो फिर भी 75 रुपया के ही चार्ज किया जाएगा। 10,000 रुपया एंटर करोगे फिर भी 75 रुपया के ही चार्ज किया जाएगा डेबिट कार्ड से, चाहे किसी भी बैंक का आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल करिए। उसके बाद यहाँ पर 15,000 रुपया जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करोगे और डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो यहाँ पर 250 रुपया की चार्ज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात ये है ना कि 1.3% के अनुसार से आपको क्रेडिट कार्ड पर चार्ज लगेगा, लेकिन डेबिट कार्ड पर क्या है कि 1,000 रुपया से लेकर 10,000 रुपया तक ट्रांसफर करते हैं तो मात्र आपको 75 रुपया का ही चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड में टोटल 130 रुपया का आपको चार्ज देना पड़ेगा 10,000 रुपया पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर किस प्रकार के चार्जेस हैं। तो बस यहाँ पर जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उससे आप कर सकती हैं। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया गया, उसके बाद CVV नंबर डाला और यहाँ पर पेरेंट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। पेरेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसिंग में चला जाएगा। उसके बाद बैंक की तरफ से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 1,002 रुपया एंटर किया गया था तो यहाँ पर 13 रुपया 2 पैसे यहाँ पर चार्ज लगी, 1,015 रुपया 2 पैसे काटे जाएंगे। यहाँ पर OTP दर्ज करना है और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर थोड़ा देर ये घूमेगा, आपको बैक या फिर रिफ्रेश बटन एंटर नहीं करना है, प्रेस नहीं करना है, बस यहाँ पर पेमेंट आपका सक्सेस हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। और इसके बाद यहाँ पर कनेक्टिंग सिक्योरली लिखा जाएगा, आपको कोई भी बैक या फिर रिफ्रेश बटन एंटर नहीं करना है या फिर ऐप को क्लोज नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पर पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और बोला गया है कि 1 से 2 वर्किंग डेज के अंदर यहाँ पर आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये जो पैसा है वो इंस्टेंट मिल जाता है, जो कि आप यहां पर प्रूफ भी देख सकते हो। यहां पर आई मोबाइल पे की तरफ से यहां पर मैसेज आ चुका है कि ICICI बैंक में जो है 1,002 रुपया क्रेडिट कर दिया गया है फोन पे प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। और यहां पर मैं आपको मिनी स्टेटमेंट भी दिखा देना चाहूंगा, आप यहां पर देख सकते हैं एक बार 1,003 रुपया यहां पर ट्रांसफर किया गया, एक बार 1,002 रुपया यहां पर ट्रांसफर किया गया और इंस्टेंट में यह ट्रांसफर हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है फोन पे का रेंट पेमेंट सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं और आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से काफ़ी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं या फिर UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। और इंस्टेंट में आपके बैंक अकाउंट में फिलहाल जो क्रेडिट हो रही है वो होते रहेंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है रास्ते में जाएगा, ट्रांसफ़र होगा, तो थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, लेकिन 1 से 2 वर्किंग डेज का समय लिया जाता है, इससे ज़्यादा समय नहीं लिया जाता है। तो फिलहाल इंस्टेंट सेटलमेंट हो रहे हैं, आप लोग इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड टू बैंक करना चाहे तो कर सकते हैं, डेबिट कार्ड टू बैंक करना चाहे तो कर सकते हैं, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। जिस मकसद से भी आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं उस मकसद से आप इसका इस्तेमाल काफी आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि मुझे वीटा वर्जन में 4.1.17 का अपडेट नहीं मिला है तो इसका क्या करें। तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते, जब तक आपको ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक जुगाड़ मैं आपको बता देता हूं, अगर काम करे तो बेहतर है, मेरे पर तो काम नहीं किया लेकिन आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। और दोस्तों जुगाड़ ये है ना कि 4.1.17 का जो एप्लीकेशन है वो हमने अपने दोस्त से जो है बैकअप बनवा लिया है और उसके बाद टेलीग्राम पर आप लोगों को ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, ये एप्लीकेशन APK फाइल डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, जो कि आप लोग अपने डिवाइस में इंस्टॉल करके देखिएगा, अगर इंस्टॉल हो जाता है तो अच्छी बात है। हालाँकि मैंने इंस्टॉल किया तो वहाँ पर एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल नहीं हुआ, लेकिन अगर आप लोगों में ये इंस्टॉल हो जाता है तो आप लोगों को रेंट पेमेंट वाला ऑप्शन मिल जाएगा,
जाएगा, या फिर आप लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है जिस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप वीटा ज्वाइन हो जाओगे। उसके बाद देखो कि आपको 4.1.17 मिलता है या फिर 4.1.16 मिलता है। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा वर्सन मिला है। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए अगर कोई नया अपडेट आता है या फिर 4.1.17 का कोई लिंक आता है तो डायरेक्टली मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। इससे पहले मैंने सबसे पहले जो है टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को यह जानकारी दिया था कि फोन पे में रेंट पेमेंट वाला ऑप्शन आ चुका है और यूट्यूब पर पहला ऐसा वीडियो है जो सबसे पहले हम ये डाल रहे हैं यहां पर फोन पे रेंट पेमेंट को लेकर। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। हमें दीजिए इजाजत, वीडियो को लाइक करिएगा और अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इन सभी से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा जब तक हम हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर जो भी मदद चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए, हम हमेशा आप लोगों को मदद और सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं।